अगर आपको स्टॉक प्राइसेस के बढ़ने का इंतजार पसंद नहीं लेकिन फिर भी रेगुलर इनकम चाहिए तो ध्यान से सुनो। चलो डिविडेंड्स के बारे में बात करते हैं। डिविडेंड को ऐसे समझो जैसे कंपनी के मुनाफे में आपका हिस्सा। जब कोई कंपनी पैसे कमाती है तो वो या तो उसे बिजनेस में वापस लगा सकती है या आप जैसे शेयर होल्डर के साथ कुछ शेयर कर सकती है। यही तो डिविडेंड है। डिविडेंड ज्यादातर कैश में मिलता है लेकिन कभी कभी आपको उसके बदले और शेयर्स भी मिल सकते हैं। इसका मतलब है आपको आपके इन्वेस्टमेंट के लिए इनाम देना। लेकिन सावधान, हर कंपनी डिविडेंड नहीं देती। ये ज्यादातर उन बड़ी कंपनियों में होता है जिनका मुनाफा अच्छा खासा है। नई कंपनियां अक्सर अपना कमाया हुआ पैसा तेजी से बढ़ने के लिए वापस बिजनेस में लगा देती हैं। तो अगर आपको अपने इन्वेस्टमेंट से रेगुलर इनकम चाहिए तो डिविडेंड्स पर जरूर गौर करो। शेयर प्राइसेस के बढ़ने से होने वाले फायदे के साथ ये एक अच्छा बोनस हो सकता है। बस इतना ही था शेयर मार्केट में डिविडेंड्स के बारे में आसान भाषा में।